जालौन के कालपी में एक कागज की फैक्ट्री में भीषण आग लगने से फैक्ट्री में लाखों रुपए का मटेरियल जलकर खाक हो गया। मौके पर कालपी फायर सर्विस के दमकल की गाड़ियों ने आग बुझाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन देर शाम तक आग बुझाने में नाकाम रहे। आग इतनी ज्यादा फैल चुकी थी कि बुझने का नाम नहीं ले रही थी। क्या नाम है आपका जी? कहाँ पर आग लगी है और क्या हादसा हुआ यहाँ पर? हमारे फैक्ट्री में आग लग गई, करीब 3 बजे आग लगी थी जी। अभी तक आग बुझी नहीं है। कितने घंटे हो गए जब से आग? लगभग 4 घंटे हो गए। 4 घंटे हो गए, अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया। तो दमकल की कितनी गाड़ियाँ आई? 2 गाड़ियाँ हैं दमकल की, एक रेंजर है, एक कालपी की। अभी तक कोई उच्च अधिकारी सामने आया? नहीं, कोई नहीं आया। तो कितने का नुकसान हुआ? लगभग 3-4 लाख का नुकसान हुआ है। अच्छा, क्या कारण है यहाँ पे आग लगने का? पूरे मिशन में किसी ने आग लगाई है। रजिस्ट्रेशन किसने लगाई है? किसी भी शक है जिसका? अब तक तो ऐसे तो लगाए, मगर लगाई रजिस्ट्रेशन किसी ने। क्या इसकी शिकायत पुलिस से की? जी जी करेंगे, अभी अभी तो उसको बुझाने में लगे हुए हैं। इसके अलावा ये जो आग लगी थी, इसकी सूचना आपने उच्च अधिकारियों को दी थी? जी, ऊपर वही दी थी। तो क्या वो मौके पर आए? नहीं आए। अभिषेक जी बताएं, यहाँ पर क्या हादसा हुआ? कागज़ फैक्ट्री है और इसमें लगभग 3 बजे आग लग गई है। और अभी चूँकि 6 घंटे लगभग हो चुके हैं और अभी तक आग नहीं बुझ चुकी है। अभी फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियाँ लगभग लगी हुई हैं और आग अभी भी नहीं बुझाई जा सकी है। तो इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी गई थी? जी बिल्कुल दी गई थी, उड़ाई में दी गई है। तो क्या मौके पर आए वो लोग? नहीं, उच्च अधिकारी कोई नहीं आया, लोकल स्टाफ ही है यहाँ का। कितनी गाड़ियाँ आई भैया? 2 गाड़ियाँ। तो अभी तक आग बुझाई जा सकी है? नहीं, अभी नहीं बुझाई जा सकी है। अभी प्रयास चल रहा है।